तो ये क्वेश्चन हमारे पास है डाइपोल मोमेंट का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही है। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स विद डाइपोल मोमेंट P1 एंड P2 आर प्लेस्ड ऑन द सेम लाइन एट अ सेपरेशन r एज शोन इन द फिगर। तो ये फिगर हमारे पास है, यहाँ पे P1 और P2 है और इनके बीच का डिस्टेंस कोई एक r दिया हुआ है। फाइंड द इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स विद डाइपोल मोमेंट्स P1 एंड P2। तो ये दो इलेक्ट्रिक डायपोल है जिनका डायपोल मोमेंट है P1 एंड P2। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ये एक एक्सिस पे है, तो उसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो इन दोनों डायपोल के बीच का इंटरैक्शन फोर्स निकालना है। अभी इस टर्म का मीनिंग क्या है? इंटरैक्शन फोर्स बेसिकली यही कहता है कि इस डायपोल, ये डायपोल को कैसे इफेक्ट कर रहा है, या ये डायपोल इस डायपोल को कैसे इफेक्ट कर रहा है, उसका मेजर निकालना है या उसका स्ट्रेंथ या क्वांटिटी निकालना है, उसी को हम इंटरेक्शन फोर्स कहते हैं। अभी हमारा फोर्स के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेसिक आइडिया क्या है? हमें एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, उसमें एक चार्ज रहता है और वो चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो डाइपोल रखे गए हैं, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक डायपोल का दूसरे डायपोल पे होगा, और जो भी फोर्स आएगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही आएगा। तो ऐसा करते हैं, P1 को पकड़ लेते हैं वो डायपोल जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड P2 को अफेक्ट कर रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, तो ये कुछ इस डायरेक्शन में होगा और यही P2 को अफेक्ट करेगा। तो पहली बात, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? तो अगर हम इनके एक्सिस पे बात करें तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू P2 वाले पॉइंट में कुछ ऐसा होगा, 2 KE1 / r³। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस ड्यू टू P1 एट द पॉइंट r जो कि P2 है। तो अभी यही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो P2 को फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से P2 में मूवमेंट आ सकती है, अट्रैक्टिव रिपल्सिव किसी भी टाइप की। तो अभी हमें पता है कि ये जो फील्ड है, हम एक ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं यहाँ से, ये डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रही है। मतलब ये इस पॉइंट पे कुछ अलग थी, ये इस पॉइंट पे कुछ अलग होगी और इस पॉइंट पे कुछ अलग है। तो हम इसके लिए एक, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि फोर्स ऑन अ डाइपोल ड्यू टू अ वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होता है कि फोर्स इक्वल टू पी, जिस भी डाइपोल पे हम फोर्स निकालना चाहते हैं, और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस dr, जो कि एक्सिस के अलावा है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में P1 का होगा। तो हमें एक सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, P2 का वैल्यू P2 ही रहेगा, और इस डिफरेंशिएशन को हम अगर करेंगे तो हमें ये मिलेगा, आप देखिए 1 / r³ का, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो 1 / r³ का डिफरेंशिएशन हम करेंगे इस केस में, तो 2 KP1 डिफरेंशिएटिंग 1 / r³ विथ रिस्पेक्ट टू r, इससे हमारे पास आता है P2 2 KP1, और यहाँ पे आएगा -1 / r⁴, और ऊपर आ जाएगा (3). अभी इन सबको अगर हम मिलाएंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे माइनस साइन, तो -6 KP1 / r⁴। सो देयरफॉर जो भी फोर्स है ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, वो है -6 KP1 / r⁴। और सिंस हमें पता है ये अलोंग द एक्सिस है, तो हम यहाँ पे इसका डायरेक्शन अलोंग आर कैप लिख सकते हैं। सो अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ रहा है। तो फिजिक्स में जब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की, नेगेटिव साइन का मतलब होता है जिस भी डायरेक्शन में आपका वेक्टर है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि जो भी फोर्स होगा P2 पे वो होगा नेगेटिव, नेगेटिव वाई के अलॉन्ग, मतलब टुवर्ड्स P1। इसका मतलब क्या हुआ
कि P1 अपने इलेक्ट्रिक फील्ड से P2 को अट्रैक्ट कर रहा है, और यही है हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए।